Kids, how are you all? I hope you are all fine and good. Okay, so now your PT1 is done. Okay, so now in this video we continue our chapters for the next test or next examination. Okay, so now in this video we are starting a new chapter, chapter number 4, Shipwrecked. Okay, you know what is ship? ओके शिप इज वेरी इंटरेस्टिंग शिप नाव उसको हम बोलते हैं उसमें बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ना तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर अबाउट अ शिप रिग्ड ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड बी रेडी विथ योर टेक्स्ट बुक्स ओके फर्स्टली वी रीड द लाइन्स एंड देन आई एक्सप्लेन इट इन द डीपली फॉर द चैप्टर रॉबिन्सन क्रूजो लव्ड टू ट्रैवल ठीक है इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन रॉबिन्सन क्रूजो ठीक है रॉबिन्सन क्रूजो लव्ड टू ट्रैवल रीड दिस अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड ऑन हिज वोयाज टू अफ्रीका व्हाट इज वोयाज वोयाज इन द डाउनवर्ड्स ऑफ द दिस स्पीच द वोयाज मीनिंग इज गिवन हियर वोयाज इज अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय सी में जो लॉन्ग जर्नी होती है बाय द शिप इट इज कॉल्ड अ वोयाज अब एक ये जो ट्रैवलिंग है ये शिप वोयाज के बारे में है एक वोयाज ट्रैवलिंग के बारे में है टू अफ्रीका कहाँ के बारे में है अफ्रीका के बारे में फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ आर जर्नी द वेदर वॉज वार्म एंड द सी वॉज अ क्लाम ठीक है वो सब कुछ बहुत बेटर तरह चल रहा था फ्यू जो लास्ट के जो स्टार्टिंग के जो फोर फर्स्ट डे थे वो बहुत शेड्यूल्ड था बहुत ईजीली वो लोग उस ट्रैवलिंग पे ट्रैवल कर रहे थे The ship moved smoothly on its way and everyone was happy. जो ship है वो normally अपने way पे चल रही थी और बाकी सारे लोग बहुत happy थे Then a great storm began. अब क्या हुआ storm, एक तूफान आया पानी के अंदर ठीक है The sea grew rough and angry. जो sea है वो rough और angry गुस्से से बहुत ज़्यादा जब sea को गुस्सा आता है तो क्या होता है The layers are beginning, the big layers are storm are beginning. Okay? The ship was thrown around by the waves. The ship was thrown around by the waves. We thought we would drown. Drown it means हम लोग अब नहीं जी पाएंगे हम लोग अब मर जाएंगे ठीक है अंडर वाटर हम लोग मतलब वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे We could do nothing. Day after day the storm grew louder and fiercer. मतलब क्या हुआ Day by day एक दिन के दिन बाद क्या होता जा रहा था वो जो storm है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा था बढ़ता ही जा रहा था storms जो waves आ रही थी big waves they were placing a face of very big waves. On the 12th day the wind died down. अब क्या हुआ अब wind बंद हुई on that day 12th day जब 12th day था तब wind बंद हुई but by now the ship and the man needed rest we changed the course towards the nearest shore. अब nearest जो course है it means उन्होंने वो ship का जो रास्ता change किया nearest shore के पास nearest shore मतलब nearest जो उनका किनारा था वहाँ पे उन्होंने वो ship को मोड़ दिया मतलब उनका रास्ता change किया क्योंकि अब सबको rest की ज़रूरत थी बहुत थक गए थे जो शिप चला रहा था उसको जो कैप्टन था वहाँ का वो भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था बट जस्ट एज वी थॉट वी वुड रीच द लैंड सेफली वो उस लैंड तक सेफली पहुँच गए ठीक है अनदर स्टॉर्म बिगिन अब क्या हुआ एक और स्टॉर्म आ गया वी डिड नॉट थिंक वी वुड सी लैंड एवर अगेन अब उनको लग रहा था कि हम लोग सी वापस नहीं देख पाएंगे Turn the page. But the next morning we heard a sailor cry out, land. I ran out the cabin to look. Okay. अब क्या हुआ नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी हुई तब एक उस एक पर्सन ने बोला कि लैंड मतलब उसको वहाँ पे एक लैंड दिखी है किराना दिखा ठीक है और आई रेन आउट बाय द कैबिन वो कैबिन से बाहर आया और उसे देखा एट दैट वेरी मोमेंट द शिप हिट आर ग्रैंड ग्रेट सैंड बैंक अब ग्रेट सैंड बैंक इट मीन्स अ सैंडी एरिया मिडल ऑफ द रिवर अब वो जो शिप है वो उससे जाके टकरा गई इट केम अ सडन स्टॉप इट कुड बी मूव गेंट वेव्स क्रैश्ड ओवर इट ठीक है उसके ऊपर से जो वेव्स है वो जा रही थी ऑल ऑफ अस हरिड बैक टू द कैबिन वो कैबिन के अंदर वापस गए व्हाट शैल वी डू क्राइड वन ऑफ द मैन अब एक मैन बोलता है शिप में से अब हम क्या करें वी मस्ट गेट टू द लाइफ बोट सेड अनादर एक और मैन बोलता है कि हमें लाइफ बोट होनी चाहिए एक शिप में एक लाइफ बोट होती है कि जिसकी वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम लोग वो छोटी शिप में छोटी बोट उसको पानी में उतार के और उसमें सेफली ट्रैवल कर सकते हैं
जैसे कि हम बाइक में या सॉरी कार में स्टेप नहीं रखते हैं ना पीछे, टायर अगर टायर पंचर हो जाता है तो हम वो यूज़ करते हैं। एज इट इज़ द शिप हैड अ लाइफ बोट टू सेव द सी पीपल। टुगेदर वी पुश द बोट इन टू द वाटर एंड जम्प्ड इन साइड। अब जैसे ही उसको वो बोट है वो पानी में डाली और उसके अंदर जंप कर गए। वी रोव्ड टूवर्ड्स द लैंड, वी होप्ड दैट वी वुड रीच द शोर अलाइव। वो उनको होप थी कि वो उस शीप जो शोर तक सेफली पहुँच जाएंगे। सडनली अ ह्यूज वेव हिट द बोट। अब एक ह्यूज वेव, बड़ी सी वेव ने बोट को हिट किया, टक्कर मारी, ठीक है। वी हैड नो टाइम टू स्पीक और थिंक, वी वर थ्रोन आउट ऑफ द बोट इन टू द सी डिफरेंट डायरेक्शंस। वो बोट से बाहर आ गए और अलग अलग डायरेक्शंस में सब वेव के साथ साथ इधर उधर हो गए। द वेव्स क्राइड मी लॉन्ग वे टू ड्रॉप्ड मी ऑन माई रॉक्स नियर द शोर, द रेन टूवर्ड्स द लैंड, द फेल ऑन द ग्रासेस। अब वो वहाँ पे कोई कहाँ पे ग्रासेस में गया है, कोई सैंड में गया है, कोई किधर, अलग अलग डायरेक्शंस में वो लोग ट्रैवल कर रहे थे और अलग अलग जगह जाकर पहुँच जाते हैं। आई वॉज सेफ, द वाटर कुड नॉट रीच मी हियर। अब जहाँ वो गया था वहाँ पे आधी घासेस थी और वो वहाँ पर जाकर ग्रासेस में उसको पड़ा हुआ था वो, और वहाँ पर उसे देखा कि वहाँ पे एक शोर है, वहाँ पे उस वहाँ तक उसकी जो वेव्स है वो नहीं आ पा रही है, मतलब ही वॉज सेफ। आई रेस्टेड फॉर द लिटिल वाइल, उसने अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। देन आई सेट अप टू लुकड अराउंड, आई कुड सी द शिप स्टक इन द सैंड एट द डिस्टेंस। एक डिस्टेंस पे जो शिप है वो सैंडी के उस पर टकराई थी वहाँ पर पड़ी हुई है। द वेव्स आर डैशिंग ओवर इट, अब उसके ऊपर से वेव्स जा रही है, जो वो देख रहा है कि अब मेरे सारे पार्टनर्स कहाँ गए, मेरी शिप कहाँ है, तो वो ऐसे देख रहा है तो उसकी जो शिप है वो टकरा के पड़ी हुई है एक डिस्टेंस पे और उसके ऊपर से सारी वेव्स जा रही है। आई थॉट ऑफ द अदर मैन, कुड एनी ऑफ द देम ऑन दिस आइलैंड टू। वो ये बोलता है कि उसको अदर आइलैंड के बारे में पता पड़ा कि इस आइलैंड पे और कोई इंसान भी मेरे साथ पहुंचा है क्या। आई स्टार्टेड वॉक अलोंग द शोर, वो शोर के किनारे के साथ साथ चलने लग गया। देन आई लुक्ड फॉर अ साइंस ऑफ माई फ्रेंड्स, माई उसके कुछ फ्रेंड्स के उसको साइन दिखे। इन वन प्लेस आई फाउंड अ हैट, उसको एक हैट मिली। इन अनादर अ कैप एंड देन टू शूज़ दैट डिड नॉट मैच बट आई डिड नॉट सी एनी वन एल्स। उसको शूज़ दिखे, कैप दिखी, पेयर्स ऑफ शूज़ था पर दोनों शूज़ अलग अलग थे, तो उसको मतलब कोई इंसान नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसके फ्रेंड्स की जो है वो स्पॉट्स दिख रहे थे उसे। इट ग्रू डार्क, अब क्या हुआ, डार्क हो गया, मतलब अंधेरा होने वाला है। आई स्टार्टेड टू वरी अबाउट बींग अटैक्ड बाई द वाइल्ड एनिमल्स, आई फाउंड अ स्टॉक स्टिक प्रोटेक्ट माई सेल्फ, क्लाइंड ऑन टू द टॉलेस्ट ट्री आई कुड सी, सून आई फेल इन टू द डीप एंड स्लीप। ओके, डीप स्लीप। अब क्या हुआ कि अब रात होने वाली थी, उसको डर था कि कोई वाइल्ड एनिमल आके उसके नुकसान ना पहुँचा दे, तो उसने एक टॉलेस्ट ट्री उस आइलैंड पर फाउंड किया, उस पर क्लाइंब करके वो ऊपर गया और उसकी एक डीप स्लीप, उसको एक नींद आ गई वहाँ पर, क्योंकि ही वॉज वेरी टायर्ड एंड ही वॉज फीलिंग आई एम सेफ नाउ, दैट्स वाई ही वॉन्ट्स टू स्लीप। ओके, सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर वंस, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर। ओके, बाय।